ये शादी सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी ऐशो इशरत के लिए की, क्योंकि मेरे बाबा तो आपकी लग्जरी लाइफ अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए मेरे लाख मना करने के बावजूद भी आपने ये शादी की। तो अब आपको मुबारक हो, ये दौलत, ये घर, ये ऐशो इशरत, ये सब कुछ। एक बार ठंडे दिल से अपनी माँ की बात तो सुनो। कितनी बार कहा है आपसे, कितनी बार कहा है, बार बार अपने मुंह से ये माँ लफ्ज मत दोहराएं। मेरी माँ पर कुर्बानियों की इतनी बड़ी सजा ना दो मुझे। कैसी कुर्बानी, कैसी कुर्बानी, और किसने कहा था आपसे कुर्बानी देने के लिए? मैंने तो नहीं कहा होगा। बार बार अपने इस झूठ को कुर्बानी का नाम देकर क्या साबित करना चाहती हैं आप? यही कि आप बहुत अच्छी हैं? क्यों छुपाया था आपने इतना बड़ा सच मुझसे? क्यों नहीं बताया मुझे? यकीनन इसमें भी आपका कोई फायदा ही रहा। फायदा मेरा? जाहिर सी बात है, कोई फायदा ही तो रहा होगा। तभी तो आपने एक बार भी जरूरत महसूस नहीं की मुझे सच बताने की। तुम ऐसा समझती हो अपनी माँ को? कितनी माँ? फिर आप मेरी माँ नहीं है। हूँ, मैं हूँ तुम्हारी माँ। भले जन्म ना दिया, लेकिन तुम्हारे बचपन से आज तक तुम्हारे हर लम्हे की गवाह हूँ मैं। अपनी जिंदगी को, अपनी जात को मिटा कर रख कर सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश को और तुम्हें अहमियत दी है मैंने, सिर्फ तुम्हें फौकियत दी है। क्या कि अपनी ममता को साबित करने के लिए ये सबूत काफी नहीं है? आपने जो भी किया वो सिर्फ अपने लिए किया। माँ, माँ तो वो होती है जो औलाद को 9 महीने अपनी कोख में रख के पालती है, अपनी औलाद को अपने खून से सींचती है। जो पालने वाली होती है ना, वो सिर्फ माँ जैसी होती है। माँ नहीं कहते। मैंने अपनी जिंदगी का हर फैसला तुम्हारे लिए किया है, अपना हर लम्हा तुम पे कुर्बान किया है, अपनी जात को मिटाकर अपनी जिंदगी का हर फैसला तुम्हें सामने रखकर किया है। क्या तुम इस बात की गवाह नहीं हो? झूठ झूठ झूठ, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती हैं आप मुझसे। आपने जो भी किया अपने फायदे के लिए किया, अपने लिए किया, मेरे लिए कुछ नहीं किया। उष्णा! क्या उष्णा? ये शादी सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी ऐशो इशरत के लिए की, क्योंकि मेरे बाबा तो आपकी लग्जरी लाइफ अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए मेरे लाख मना करने के बावजूद भी आपने ये शादी की। तो अब आपको मुबारक हो, ये दौलत, ये घर, ये ऐशो इशरत, ये सब कुछ, ये दौलत, ये महल, ये आपके शौहर की है। और मैं यहां नहीं रह सकती। बहुत जल्द अपने कहीं और इंतजाम करके मैं यहां से चली जाऊंगी, और अगर कोई जगह ना मिली रहने के लिए तो मर जाऊंगी। चुप कर जाओ, ये मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैं तो आपसे बात करना ही नहीं चाहती। आप ही हैं जो बार बार मुझसे बात करने के लिए यहाँ चली आती। अगर आप चाहती हैं कि मैं कुछ दिन यहाँ सुकून से रह सकूं, तो प्लीज मुझसे दूर रहें। सुना आपने, मुझसे दूर रहें। आप जाएं यहाँ से। सितम गर ये कुर्बत क्या